हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू योर सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम उस एरिया को कहते हैं जो ऐसे छोटी बस्तियों में, छोटी जगहों पे जो स्पेस होता है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको स्लम एरिया बोलते हैं। तो एन एलिमेंट्री स्कूल यानी कि एक प्राथमिक स्कूल एक स्लम एरिया में। तो वो स्कूल कैसा दिखाया गया है उसी बारे में हमें इस पोएम में पढ़ना है। ये इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न टॉर्न राउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन बियर हेड द पेपर सीमिंग बॉयज बॉय विथ रेड्स आई द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम class one noted sweet and young his eye live in a dream of squirrel's game in tree room other than this far far from yani bahut dur gusty waves gusty mein jhokedar jhokedar leharon se these children's wave yani ki children's faces means bachchon ke chehre yani in bachchon ke chehre jhokedar leharon se bahut dur hain like rootless weeds रूटलेस मीन्स बिना जड़ की, वीड्स मीन्स होती है घास, जंगली घास, जैसे कि जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, टॉर्न मीन्स फटे हुए या बिखरे हुए हैं, पैलर मीन्स होता है पीला, तो यहाँ पे पीले चेहरे से मतलब है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर यानी जो उनके बाल हैं वो उनके पीले चेहरों पर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द टॉल गर्ल या टॉल मीन्स लंबी, लंबी लड़की विद हर वेट डाउन हेड यानी कि अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय, सीमिंग मीन्स प्रतीत होता हुआ, द पेपर सीमिंग बॉय यानी कि कागज जैसा दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आई चूहे की आंखों यानी कागज दिखने वाले लड़के के जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंख जैसी है। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ मीन्स कहते हैं अविकसित लंबाई को या अविकसित। अनलकी हीर, अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्य वाला, हीर मीन्स होता है विरासत। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी तुड़ी हुई, बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल्ड डिजीज, नार्ल्ड डिजीज मीन्स यहाँ पे नार्ल्ड मीन्स होता है गांठदार, डिजीज मीन्स होता है बीमारी यानी गांठदार बीमारियाँ, यानी कि अविकसित विकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, पिता की गठिया की बीमारी को दोहराता हुआ। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर, अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, ये डिम मीन्स धुंधली, धुंधली कक्षा के पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अननोटेड मीन्स जिस पर ध्यान ना दिया जाए यानी उपेक्षित, स्वीट एंड यंग यानी प्यारा और छोटा। हिज आई आईज लिप्स इन अ ड्रीम, हिज आईज उसकी आँखें, लिप्स इन अ ड्रीम यानी उसकी आँखें स्वप्न देखती है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल्स मीन्स होता है गिलहरी, गिलहरियों के खेल का। इन ट्री रूम अदर देन दिस, पेड़ के कमरे में इन सबसे हटकर। ऑन सोर क्रीम क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ऑन सोर क्रीम वॉल्स यानी सोर मीन्स होता है वैसे खट्टा, लेकिन यहाँ खट्टे से नहीं है। ऑन सोर क्रीम, हाँ यहाँ पे मतलब खट्टे मक्खन के जैसे कलर की दीवारों पर डोनेशंस दान दी हुई चीज़ें हैं। शेक्सपियर्स हेड यानी कि शेक्सपियर का सिर जो यहाँ पे लिखा है, लेकिन शेक्सपियर का सिर नहीं, यहाँ शेक्सपियर के सिर की तस्वीर है। शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर के सर की तस्वीर। क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित, डॉन मीन्स होता है भोर, और क्लाउडलेस मीन्स बादल रहित, बादल रहित भोर। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई गुंबद। बिल्ड फ्लॉरी टैरोल्स वैली, घंटीनुमा फूलों वाली ट्रैलोस घाटी। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मीन्स खुले हाथों वाला, मुक्त हस्त नक्शा। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग मीन्स यहाँ पे अवार्ड से मतलब
अवार्ड से मतलब यहाँ पे परिचय कराना से है, संसार को बाकी दुनिया से परिचय करा रहा है। एंड येट और फिर भी फॉर दोज चिल्ड्रेन उन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यानी ये खिड़कियाँ नहीं ये नक्शे जो हैं उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ उनका पूरा जो संपूर्ण भविष्य है कोहरे से ढका हुआ है। फॉग मीन्स होता है कोहरा। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ए नैरो स्ट्रीट, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण यानी पतली, एक पतली गली, सील्ड यानी ढकी हुई है, इन विद अ लेड स्काई शीशे के रंग के आसमान से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड यानी नदियों अंतरीपों और शब्दों के तारों से बहुत बहुत दूर है। श्योरली यानी निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विग्ड, विग्ड मीन्स दुष्ट यानी वास्तव में शेक्सपियर दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल यानी नक्शा जो है एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स जहाज के साथ एंड सन और सूरज एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील एंड लव टेम्पटिंग मीन्स लोभ प्रलोभित करना और उन्हें प्रलोभित कर रहा है देम टू स्टील चोरी के लिए। फॉर लाइव्स द स्टाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, फॉर लाइव्स यानी उन जिंदगियों के लिए, दैट स्टाइली टर्न जो स्टाइली में धूर्तापूर्वक बदल जाती हैं, इन टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स यानी कि उन जिंदगियों के लिए जो धूर्तापूर्वक उन तंग खोलियों में बदल जाती हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग यानी कि कोहरे से लेकर टू एंडलेस नाइट अनंत रात तक। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग्स मीन्स होता है बेकार की चीज़ें, हीप मीन्स होता है ढेर, उन बेकार की चीज़ों के ढेर पर दीज चिल्ड्रेंस ये बच्चे वियर स्किन यानी त्वचा को पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स जो हड्डियों से झांक रही है, एंड स्पेक्टिकल्स और चश्मे ऑफ स्टील के चश्मे विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड मीन्स मरम्मत किए हुए शीशों के साथ। लाइक बोटल बिट्स जैसे कि मीन्स कांच के टुकड़े पत्थरों पर बिखरे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम यानी उनका सारा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। स्लो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, डूम मीन्स होता है बर्बादी, ब्लॉट मीन्स होता है कलंक यानी कि अतः उन नक्शों के साथ गंदी बस्तियों को जैसे बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है वैसे मिटा दो और ख़त्म कर दो। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर यानी जब तक कि गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, इंस्पेक्टर मीन्स दरोगा, विजिटर मीन्स आगंतुक, जब तक कि राज्यपाल दरोगा आगंतुक ना आ जाए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो ये नक्शा उनकी खिड़की बन जाता है। एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियाँ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मीन्स होता है तहखाने कब्रें यानी इस नक्शे को उनकी खिड़की में ना बना दें और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को कब्रगाहों की तरह बंद करती है। ब्रेक ओ ब्रेक यानी तोड़ दो इसे, तोड़ दो ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन यानी और उन्हें खोल दो, कहाँ पर कस्बों में खोल दो। एंड शो द चिल्ड्रेन और बच्चों को दिखाओ टू ग्रीन फील्ड्स हरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनके संसार को बना दो। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन। रन एज्योर यानी जो दौड़ती है, एज्योर मीन्स नीले आसमानों पर, ऑन गोल्ड सैंड्स यानी चमकती बालू पर यानी जो नीले आसमानों के नीचे चमकते बालू पर दौड़ते हैं। एंड लिट देयर टंग और उनकी जीभों को रन नेकेड दौड़ा दो इन टू द बुक्स किताबों के ऊपर, और उनकी जीभों को पुस्तकों के ऊपर दौड़ा दो। तथा एंड वाइट एंड ग्रीन एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन यानी हरी और सफ़ेद पत्तियां खुल जाती हैं, ओपन हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज द सन यानी और तथा हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाने दो जिनकी भाषा सूर्य के समान हो यानी सूर्य जैसी उष्मा उनके अंदर हो। तो ये हमारा जो लेसन था, जो पोएम थी, यहीं पे कंप्लीट हुई।
आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।